हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास कुछ वीडियो ऑडियो सैंपल है, उसको मैं एडिट करके आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से उसकी ऑडियो की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो फिलहाल जो मैं ऑडियो एडिटिंग कर लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है ऑडिशन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडिशन 2020 है ऑडिशन। और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं, तो न्यू में जाते हैं, ओपन करते हैं पहले और डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे हमारे पास एक ऑडियो है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अपनी जो ऑडियो है वो आ चुकी है, ये अपना एडिटर सेक्शन है और ये नीचे की तरफ लेवल है, इसको हम जरा एक बार प्ले करके देखते हैं। मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ जिससे कि ज़्यादा मुझे अच्छे तरीके से सुनाई देगा। एक बार दोबारा सुनाता हूँ। तो आप इसकी जो वेव्स देख सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल नहीं है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे इसके लेवल आप देखेंगे -12 तक जा रहा है, -15 से लेकर -12 तक इस गुड है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए और 0 तक क्लिप नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करने के लिए हम जाएंगे फेवरेट में और सॉरी इफेक्ट में, एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन, और उसके बाद जाएंगे डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये जो सेटिंग है आपको दिखाई दे रही होगी, जो थ्रेशोल्ड है -22 dB मैंने रख रखा है, रेशियो है 4 और अटैक है 1 मिली सेकेंड और जो रिलीज है वो 50 मिली सेकेंड है और मेकअप है 6.2 dB। तो सेम ये सेटिंग आप इसको पॉज करके इस सेटिंग को अपने ऑडिशन के अंदर आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है, और इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑडियो थी वो कंप्रेस हो गई। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, ऑडियो को कंप्रेस कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, वो करते हैं हम नॉर्मलाइज वीडियो, ऑडियो को नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज टू करेंगे हम टू -1 dB। उसके बाद हम प्ले करके दिखाता हूँ आपको। नॉर्मलाइज करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ऑडियो को पहला स्टेप किया हमने कंप्रेस किया और दूसरा जो स्टेप था वो क्या हमने नॉर्मलाइज किया। और इसको ऑडियो को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें आपको नॉइज सुनाई दे रहा है। तो अब तीसरा जो स्टेप हम क्या करने वाले हैं, इसमें से नॉइज रिडक्शन करने वाले हैं। तो नॉइज़ रिडक्शन के लिए हम जाएंगे इफेक्ट में, नॉइज़ रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन में, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन में। और ये जो वैल्यूज़ है आपको एज इट इज़ रखनी है। और आपको हाई नॉइज़ रिडक्शन चाहिए तो आप हाई क्वालिटी मोड भी ऑन कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली क्या कीजिए, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद हम इसको ऑडियो को सुनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर क्या है कि बिल्कुल भी नॉइज़ आपको नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। और एक आधा आप इको वगैरह चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो मोस्टली मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो अपनी ऑडियो को क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करता हूँ, यही 3 स्टेप करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ईजी है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले जब भी आप कोई ऑडियो लेते हैं उसके ऊपर पहले डायनेमिक्स अप्लाई करें, यानी कंप्रेस करें उस ऑडियो को, जिससे क्या होगा जितनी भी वेव्स होती है ना सारी की सारी लगभग लगभग बराबर आ जाती हैं।
और दूसरा जो है स्टेप है वो है आप उसको नॉर्मलाइज करें -1 dB तक, ठीक है। और तीसरा जो स्टेप है आप उसको करें नॉइज़ रिडक्शन बाय अप्लाइंग अडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन। और आप फर्दर इसके अलावा भी अगर इस ऑडियो को सुनने के बाद भी अगर आपका ऐसा नॉइज़ आ रहा है तो आप उसको एक बार और अडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक छोटा सा एक EQ इक्वलाइजर लगा के आपको दिखाता हूँ, EQ लगा के दिखाता हूँ कि आपको और वॉइस कैसी आती है। हालांकि इतना सफिशेंट है, आप इतना ही 3 स्टेप कीजिए और आपकी ऑडियो की जो क्वालिटी होगी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक आपको इक्वलाइजर लगा के दिखाता हूँ कि आवाज़ कैसी होती है। तो मैं जा रहा हूँ फिल्टर एंड EQ में, और उसके बाद आप 10 बैंड इक्वलाइजर लगाए। और इसके अंदर मैं बता दूं कि ये जो 2K 4K और 8K है ये हाई नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी यानी जो पतली आवाज़ के लिए, और ये जो लो नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी है इस साइड वाली ये है मोटी आवाज़ के लिए। तो हम इसके अंदर थोड़ी अपनी हल्की सी पतली आवाज़ इंक्रीज करते हैं, प्ले करते हैं। यहाँ पे भी आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो आप इक्वलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए इसको अप्लाई, और अगर आप प्रीमियम प्रो में इसको एडिट कर रहे हैं तो फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, और यहाँ से आप कर सकते हैं प्रीमियम प्रो में एक्सपोर्ट फाइल। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एक्सपोर्ट टू Adobe प्रीमियम प्रो, क्योंकि मैंने ये जो फाइल है प्रीमियम प्रो से लेके नहीं आया हूँ। तो हालांकि इस तरीके से है कुछ, तो कुछ काफ़ी सिंपल स्टेप के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं अपनी ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि जो वीडियो थी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको और ऑडियो से रिलेटेड और ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, मैं और भी इस तरीके के ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा आप सभी लोगों के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।